हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज हम पंचमेवा पाक बनाएंगे, जो कि जन्माष्टमी में भगवान के भोग के लिए बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने एक लार्ज बोल मखाना लिया है, जिसे कि मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है, जिससे कि वो बारीक टुकड़ों में हो गया है। लंबा लंबा काट के इस तरीके से छुआरा लिया है। लंबा काट के ये गरी ली है, जिसे नारियल कहते हैं। आधा कप हमने यहाँ पे किशमिश ली है। दो बड़े चम्मच चिरौंजी ली है। डेढ़ कप चीनी, तीन बड़े चम्मच घी और एक गिलास पानी लिया है। तो चलिए अपना पंचमेवा पाक बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में एक चम्मच घी डालेंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। हमारा घी गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये अपने मखाने डालेंगे और इनको थोड़ा सा घी में भून लेंगे। हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसमें थोड़ा सा घी का फ्लेवर आ जाएगा तो इसका स्वाद और अच्छा हो जाता है। हमारे मखाने हल्के भुन गए हैं, अब हम इनको एक थाली में निकाल लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में दो चम्मच घी डालेंगे। इसमें हम अपनी ये किशमिश डाल के थोड़ी सी भून लेंगे। किशमिश फूल जाती है जब भून जाती है तो। ये देखिए, हमारी किशमिश फूल गई है, इसका मतलब कि ये भून चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब ये जो बचा हुआ घी है, इसमें हम अपनी बाकी सारी मेवा डाल लेंगे, नारियल, छुआरा और चिरौंजी, और इसको भी हम थोड़ा सा भून देंगे। हमारी सारी मेवा अच्छे से भुन गई है, अब हम गैस को ऑफ करेंगे और इसे एक थाली में निकाल लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में ये चीनी डालेंगे, आधा कप पानी डालेंगे। हमें इसकी चाशनी तैयार करनी है तो गैस को हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसे चलाएंगे तब तक जब तक कि हमारी चीनी अच्छे से इसमें घुल ना जाए। हमारी चीनी अच्छे से घुल गई है, अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पे करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए एक तार की चाशनी बनाएंगे। हमारी एक तार की चाशनी बन करके तैयार है। चेक करने के लिए हम ये एक ड्रॉप इस पे डालेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब इसे हम इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में लेंगे तो ये देखिए, इससे तार छूट रहा है। इसका मतलब कि हमारी एक तार की चाशनी बन करके बिल्कुल तैयार है। अब गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे। अब हम इसमें अपनी ये भुनी हुई मेवा डालेंगे। अब इस चाशनी में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमने ये एक केक टिन लिया है, जिसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल डाल के और एक ग्रीस किया हुआ है। अब हम इसमें अपनी पकी हुई मेवा डालेंगे। अब हम इस मेवा को इसमें डाल के और फैला देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगी। और एल्यूमिनियम फॉइल हमने इसलिए लगाया है जिससे कि निकालने में हमको आसानी होगी। हमने अपनी पकी हुई मेवा को इसमें अच्छे से फैला लिया है, अब हम इसे ठंडा होने देंगे और इसे सेट होने देंगे। हमारा पंचमेवा पाक ठंडा होकर बिल्कुल सेट हो गया है, अब हम इसको इस मोल्ड में से निकाल लेंगे। इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे, इसके बाद ऐसे करके थाली पे रख देंगे।
हम अब ये एल्युमिनियम फॉइल हटा देंगे। ये देखिए ये कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको पीसेस में काटेंगे। इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है काटने में, लेकिन ये आराम से कट जाएगा। हमारा पंचमेवा पाक बन करके बिल्कुल तैयार है। आप इसे जन्माष्टमी पे बनाएं और भगवान को भोग लगाएं। आप इस पंचमेवा पाक को कभी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे अपने घर पे बना के ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।